साउथ से नॉर्थ में चमकने वालों में रश्मिका का भी है नाम। ऑडियंस को पसंद आया समांथा का भी काम। फिल्मी दुनिया के सितारों के लिए हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर दिखने का एक सपना होता है। बहुत कम ऐसे सितारे होते हैं जिनका ये सपना साकार भी हो पाता है। अब देखिए ना, इस साल मेन स्ट्रीम सिनेमा में दो ऐसी अदाकारों ने कदम रखा जिनके लिए दीवानगी ऑडियंस के बीच पहले से ही थी। ये एक्ट्रेस थी रश्मिका मंदाना और समांथा। दोनों को ही लेकर ऑडियंस में एक अलग क्रेज पहले से ही रहा है। बात करें रश्मिका की तो रश्मिका ने इस साल रिलीज हुई फिल्म गुडबाय से ऑफिशियली हिंदी डेब्यू किया। वैसे रश्मिका पुष्पा की शिवल्ली बनकर पहले ही ऑडियंस का दिल जीत चुकी थी और फिर अपने ऑफिशियल डेब्यू से रश्मिका ने फैंस के दिलों में घर कर लिया। एक्ट्रेस का चुलबुला अंदाज, उनका स्टाइल, उनकी स्माइल, सब कुछ पसंद किया गया। इतना ही नहीं, इसी साल रश्मिका सीतारमम में भी दिखी। इस फिल्म में उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट था और उनका काम भी काफी गजब था। वहीं रश्मिका नेक्स्ट ईयर रणबीर कपूर के साथ एनिमल में भी नजर आने वाली है। ऐसे में एक्ट्रेस को बिग स्क्रीन पर देखने वालों का इंतजार और बढ़ने वाला है। बात करें समांथा की तो समांथा ने पिछले साल पुष्पा में अपना डांसिंग नंबर देकर सबको इम्प्रेस कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म यशोदा की, जिससे ऑडियंस के बीच क्रेज और बढ़ गया। समांथा साउथ की टॉप एक्ट्रेस है और अब उनका बॉलीवुड फिल्मों में आने का मन है। 2023 में एक हिंदी फिल्म में समांथा लीड रोल करती हुई भी नजर आएंगी। वैसे इस साल प्रभास और पूजा हेगड़े की राधे श्याम भी रिलीज हुई थी। प्रभास का नाम ही उनकी फिल्म के लिए काफी होता है, लेकिन राधे श्याम का जादू फीका रहा। प्रभास और पूजा दोनों का ही कमाल नहीं चला। हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली हिंदी में रिलीज की गई ये फिल्म फ्लॉप रही। बिग स्क्रीन पर इस फिल्म के कलेक्शन की जितनी उम्मीद थी उसका आधा भी ये रोमांटिक फिल्म कलेक्ट नहीं कर पाई। वैसे प्रभास के पास बकेट लिस्ट में कई फिल्में हैं और पूजा के पास तो सलमान के साथ ही अगली बड़ी फिल्म है। साउथ से बॉलीवुड में आकर इन सितारों को अपना सिक्का जमाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।